हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 की। ईआरपी 9 में टीडीएस को कैसे एक्टिवेट किया जाता था और कैसे टीडीएस अप्लाई होता था, आज उसी की बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले F11 शॉर्टकट की प्रेस कीजिए और हमें कहां जाना है, स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाना है। स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे क्लिक करके एंटर करके और यहां पर आइएगा, नीचे आपको दिखाई पड़ेगा सेट ऑब्लिक अल्टर टीडीएस डिटेल्स, तो बस इसी को आपको यस करना है यहां पर क्लिक करके। तो इस पे क्लिक करके और इसे कर दीजिए यस। वैट की डिटेल को भी यस किया है और यहां पर इसको भी यस कर देता हूं। और यहां पे सेट ऑब्लिक अल्टर टीडीएस डिटेल्स, इसको भी यस करना है, ठीक है। अब यहां पर 10 नंबर हमें डालना है, तो यहां पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मैं डाल देता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहां पर दिया हुआ टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, इन चीजों को आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर जो आपका पर्सन टीडीएस काटेगा वो उसका नाम यहां पे आएगा, तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पे पैन कार्ड की डिटेल इनकी डालनी जरूरी है, तो आप पैन कार्ड की डिटेल भी डाल दीजिए ताकि ये पता लगता रहे इनका पैन नंबर क्या है, ठीक है। तो ये डाल दिया मैंने और एंटर प्रेस करके इसको करा लिया एक्सेप्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको भी करा लेना है एक्सेप्ट। अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% कटेगा टीडीएस, अदरवाइज 10% ही कटेगा, ठीक है। इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लीजिए। और अब हम आ जाते हैं कहां से एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास करने के लिए हमें चलना है जनरल वाउचर में, तो कीबोर्ड से F7 फंक्शन की प्रेस कर देते हैं। यहां पर हमें सिंगल एंट्री मोड में, तो इसको डबल एंट्री मोड में करने के लिए यहां से हमको डेबिट क्रेडिट ऑप्शन को चालू करना होगा। तो बस इसको यस करके कंट्रोल ए कर दीजिए, डेबिट क्रेडिट ऑप्शन आने लगा है, ठीक है। तो मान लीजिए अब टीडीएस की बात है, तो यहां पे डेबिट में क्या हम डालेंगे, दिक्कत यहां पे हो जाती है कि डेबिट करना है तो किसको करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम टीडीएस काट रहे हैं और टीडीएस वाली एंट्री क्या है हमारी, देखिए टीडीएस किस चीज पे हम काट रहे हैं वो देख लीजिए। 194J जो सेक्शन है उसके अंतर्गत हम फी के ऊपर जो प्रोफेशनल सर्विस हम दे रहे हैं उसके लिए हम टीडीएस काट रहे हैं, ठीक है। तो 30,000 या 30,000 से ऊपर जो है इसकी लिमिट होती है, 30,000 से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो उस फीस के ऊपर जो आप फीस प्राप्त करते हैं, अगर आप कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है आपका, तो 30,000 से ऊपर अगर आप फी प्राप्त करते हैं तो उस पर 10% टीडीएस कटता है आपका, तो वो फी के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक लेजर हमें क्रिएट करना होगा, ठीक है। एंटर प्रेस किया। फीस जो है इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो यहां पे इनडायरेक्ट इनकम में इसे डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पे टीडीएस दिया हुआ है तो इसको आपको एप्लीकेबल रखना है, ये बात ध्यान रखनी है। यहां पे टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा और यहां पे न्यू कैटेगरी मैं दे देता हूं, फीस, टीडीएस ऑन फीस, ठीक है, टीडीएस ऑन फीस कलेक्शन। तो ये कर दिया फीस कलेक्शन कुछ इस तरीके से। और टीडीएस ऑन फीस कलेक्शन करने के बाद यहां पर अब आपको वो सेक्शन डालना है जिस सेक्शन के अंतर्गत ये कलेक्शन होगा, ठीक है। यानी 194J डाल दीजिए आप यहां पर कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया। इसके बाद यहां पे पेमेंट कोड आएगा आपका, तो जो भी आपका पेमेंट कोड होता है वो डाल दीजिए। यहां पे रेट किस रेट से कटेगा, तो पैन कार्ड है हमारे पास तो 10% कर देंगे और यहां पे थ्रेशहोल्ड लिमिट कर देंगे 30,000 रुपए, बस यही करना है, एंटर करना है, ये हमारा काम हो गया। वैट वगैरह छोड़ते हैं हम और यहां पर एंटर प्रेस कर देते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यहां पर मैं कर देता हूं 110,000, तो ये 110,000 रुपए फीस कलेक्शन हुआ। और यहां पर अब हमें क्या करना है, तो यहां पे एक क्रेडिटर पार्टी हम बना लेते हैं, ठीक है। लाइक यहां पे मैं कर देता हूं हीना, ठीक है, और यहां पे ये सी लिख देता हूं, पता चलता रहेगा कि ये क्रेडिटर है। एंटर प्रेस किया। ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में, तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर कर देते हैं और बाकी सारी चीजें ऐसे रहेंगी, टीडीएस डिडक्टेबल रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, कंपनी रेजिडेंस है क्या है वो सारी चीजें आपको देखनी है, तो जो भी आप यहां पर डाल दीजिए, ठीक है, कंपनी नॉन रेजिडेंस कर देते हैं, ठीक है। ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। और ये जो क्रेडिटर पार्टी है इसका हमें पैन नंबर डालना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, तो पैन नंबर जरूर डालना है हमें, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रोवाइड पैन यस कर दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा और एंटर प्रेस करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो फीस के रूप में जो कलेक्शन हुआ था, एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आपको सीआर कर देना है, ठीक है,
और जो क्रेडिटर पार्टी का लेजर हमने क्रिएट किया है अभी उसी को आप लगा लीजिए, जैसे लाइक हिना सी हमने जो क्रिएट किया है इसी को लगा देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 99,000 आ गया है, देख सकते हैं आ गया। अब एंटरप्रेस करेंगे, ये न्यू रेफरेंस में चला जाएगा, एंटरप्रेस करेंगे यानी 11,000 कुल मिलाकर के आपका टीडीएस कटा हुआ है। और यहाँ पर अब लगाना है हमको टीडीएस का लेजर, तो जैसे ही टीडीएस का लेजर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर आ गया है। एंटरप्रेस कीजिए। इस तरीके से आप अपना टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।